भोजपुर जिले में म्यूकरमाइकोसिस से मिलते जुलते लक्षणों वाले 3 मामले सामने आए हैं। सभी में कोविड के लक्षण के साथ ही म्यूकरमाइकोसिस से मिलते जुलते लक्षण पाए गए हैं। इनमें से 2 मामले सदर अस्पताल तथा 1 सूबे के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर एस के केड़िया के लक्ष्मी नेत्रालय में पिछले 1 महीने के भीतर रिपोर्ट हुआ है। सभी 3 मामले लक्ष्मी नेत्रालय के डॉक्टर आशीष के पास एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भेजा गया। डॉक्टर आशीष ने इनमें से 2 मामलों में म्यूकरमाइकोसिस के लक्षणों की पहचान करते हुए इसकी पुष्टि के लिए उच्च संस्थान में रेफर करने की सलाह दी है, जबकि 1 मरीज का परीक्षण वो कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष के अनुशंसा पर पिछले 1 महीने में 2 मरीज को पटना रेफर किया गया है, जिसमें 1 सदर अस्पताल में भर्ती मरीज भी शामिल है। हालांकि पटना से इनमें किसी की रिपोर्ट अब तक अस्पताल प्रबंधन को नहीं मिली है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में पिछले मैंने एक सस्पेक्टेड म्यूकरमाइकोसिस का पेशेंट देखा था, जो कि दोनों आंख से ब्लाइंड थे और दोनों आंख में सूजन था। ये देखते ही मैंने सस्पेक्ट किया था म्यूकरमाइकोसिस और मैंने उनको हायर सेंटर में रेफर किया था। वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, उनका MRI हुआ है और उनका अभी भी इलाज चल रहा है। वो पटना एम्स में गए हैं और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसके अलावा 2 पेशेंट मेरे पास सदर अस्पताल से रेफर किया गया है ओपिनियन के लिए, और वो दोनों पेशेंट में भी मैं म्यूकर सस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो। वो पेशेंट को सदर अस्पताल के द्वारा फिर पटना एम्स में रेफर कर दिया गया है और पटना एम्स में उनका आज इलाज हो रहा है और MRI एडवाइस किया गया है, तो इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली फाइनल क्या हुआ है। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में इस जिले में मैंने 3 पेशेंट अभी तक मेरे संपर्क में आए। रिपोर्ट सरकार को हमें करना है, इवन अभी डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट सदर हॉस्पिटल को रिपोर्ट करना है, जहां पे हम सरकार को ये रिपोर्ट कर सकें। सर, आरा सदर अस्पताल में भी कुछ लोगों को म्यूकरमाइकोसिस की बात पता चली, उसको रेफर किया गया है आप लोगों के द्वारा। एक केस आई थी महिला, संभवतः वो बरहारा क्षेत्र का है, क्योंकि पेपर देख करके हमें सभी सारी डिटेल्स बताना है, और उसको जो लक्षण था वो म्यूकरमाइकोसिस ही लग रहा था, जिसको हमने फाइनल कन्फर्मेशन और ट्रीटमेंट के लिए हायर सेंटर हमारे बगल में पटना है वहां भेजे हैं। तो वहां से आप लोगों को कुछ प्रोटोकॉल अभी वहां से कोई कन्फर्मेटरी जो ऑफिशियली लेटर आया है वो नहीं आया है, लेकिन हम लोग काफी वाचफुल हैं, जो पेशेंट का जो फॉलोअप हो या और जो फर्दर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट उसका हुआ हो उसको हम लोग प्रेस तो मैं नहीं कहूंगा, मतलब कि जागरूकता के लिए उसको हम लोग डॉक्टरों के बीच से लेकर के जनता के बीच में जाएंगे जो पेशेंट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।